अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने चैप्टर में आए, पेज 7 चैप्टर में पेज 7। अच्छा, चैप्टर में एक दो छोटी छोटी चीज़ें बतानी है और दो पास्ट पेपर्स का सवाल कराने। चैप्टर में पेज 7 नंबर 3। ये पहले एक दफा एक बात समझाई थी कि अगर अभी से ही अनाउंस दें कि कल टैक्स रेट क्या होंगे तो हम कल वाले टैक्स रेट्स ले रहे थे। उस वक्त आपको दो पॉइंट कहे थे पढ़ने के लिए, पर छोड़ दिए थे कि कौन से पढ़ लेने थे आपने, तो अभी उनमें से एक पॉइंट बता रहा हूं। अभी मैंने दो सवाल कराने पास पेपर्स के, तो उनमें से एक मैं ये इस्तेमाल करूंगा और दोबारा बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3 देखें, इसमें कहा हुआ है कि जब आप डेफर टैक्स कैलकुलेट करने लगे तो उस कैलकुलेशन में वो टैक्स कंसीक्वेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो एंटिटी को लगता है कि फॉलो होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक पीपीई है और टैक्स रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर तो ये डेप्रिशिएट हुआ तो जो नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस कमाता है उस पर टैक्स रेट 30% है, लेकिन अगर ये बेच दिया तो फिर इस पर्टिकुलर एसेट के बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स 40 लगता है। एक मशीन है, उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है 100, टैक्स बेस आ रही है 70, 30 का टैक्सेबल डिफरेंस है। अब बात ये हो रही है कि उस 30 के ऊपर डेफर्ड टैक्स कितना क्रिएट होना है। अगर वो बिजनेस इस एसेट को यूज करने का इरादा रखता है तो यह डिफरेंस कैसे खत्म होगा, डेप्रिशिएट होके। तो बिजनेस इस एसेट को यूज करेगा, उससे बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट के ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, लेट से 25%। लेकिन अगर बिजनेस इरादा रखता है कि इस प्लांट को बस ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बस बेच ही देंगे, तो फिर इसके ऊपर गेन ऑन डिस्पोजल आएगा और उस पर लगेगा 40%। तो आज इस टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे टैक्स रेट कौन सा इस्तेमाल होगा, 25 या 40? हाँ जी, अगर तो बिजनेस इरादा रखता है उसको यूज करने का और डेप्रिशिएट कर खाने पीने का तो फिर नॉर्मल वाला रेट, और अगर बिजनेस इरादा रखता है इसको बेचने का तो फिर वो 40% वाला रेट। ये पॉइंट 3 के अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी, अच्छा, इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 ये मैंने पहले समझा भी दिया, उसको इस्तेमाल भी कर लिया। एक पॉइंट और लिख लें, ये जो पॉइंट 4 लिखा हुआ इसको 5 कर लें, ये जो पॉइंट 4 लिखा हुआ इसको पॉइंट 5 कर लें। ये भी पहले बता चुका हूं क्या कि डिस्काउंटिंग नहीं इन्वॉल्व, डेफर्ड टैक्स को और मुश्किल ना बनाएं, पहली बहुत मुश्किल है, इसको मजीद मुश्किल ना बनाएं। इसको 0.5 कर लें और 0.4 लिख लें, एक पॉइंट फोर एक लिख लें, थोड़ी लंबी बात है, देखें पेज के नीचे कहीं जगह है तो दूसरे पेज पे कहीं साइड पे फैला लें, इस पे जहां जहां जगह मिलती है वहां वहां लिखते जाना, इन्हीं दो पेजेस पे फैला के लिख लें कहीं। एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ
चेंजेस इन टैक्स रेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन टैक्स रेट्स स्लैश टैक्स लॉज. ये तीन चार लाइन लगेंगी इस पे. रिपीट कर रहा हूं, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स. क्या कहे? ड्यू टू चेंजेस इन डेफर टैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ, अच्छा ठीक है, खैर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट्स या टैक्स लॉज, और इंग्लिश वाला और चेंज इन एक्सपेक्टेड मैनर. चेंज इन एक्सपेक्टेड मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ एसेट. Shall be recognized in P&L except to the extent it relates to items except it relates to items recognized in OCI or directly in equity. अच्छा, इस बात का मतलब यह है कि बाद में ना टैक्स रेट चेंज हो जाए, जैसे कल वाले सवाल में किया भी था, या एक्सपेक्टेड मैनर चेंज हो जाए कि एसेट कैसे रिकवर होगा, तो अब जो डेफर्ड टैक्स में चेंज आएगा वो भी टैक्स एक्सपेंस ही है, एक्सेप्ट अगर वो उन आइटम्स पे चेंज आ रहा है रेट का जो OCI या इक्विटी में गई हुई है. यानी अगर मैं कल वाले सवाल की बात करूं, तो अगर कल को टैक्स रेट चेंज हो रहा था, तो पिछले साल जब टैक्स रेट सरप्लस पे लगा था वो 30 लगा था, अब टैक्स रेट 35 लग रहा है, तो वो जो 5% मजीद लग रहा है वो भी सरप्लस में ही जाएगा. यानी जहां ओरिजिनली पहले डेफर्ड टैक्स बनते हुए गया था ना, टैक्स रेट चेंज भी वहीं जाएगा. है ये अंग्रेजी बस, मतलब जिनका हम डेफर्ड टैक्स OCI इक्विटी में लेके जा रहे थे ना, वही जो इससे पिछले पेज के एंड पे मैंने किया हुआ, वही काम जो इससे पिछले पेज के एंड पे कहानी सुनाई हुई है ना, इससे पिछले पेज के एंड पे देखे ना कि डेफर्ड टैक्स P&L में जाएगा, लेकिन वो आइटम्स जो OCI में जाती हैं तो डेफर्ड टैक्स भी OCI में जाएगा, वो आइटम जो डायरेक्टली इक्विटी में जाती हैं तो उनका डेफर्ड टैक्स भी इक्विटी में जाएगा. तो इन्हीं आइटम्स का कल को डेफर्ड टैक्स का रेट चेंज हो जाता है, तो वो चेंज भी यहीं जाएगा. ये मतलब है इस बात का. चलें पास पेपर का सवाल पढ़ लें, बाकी वाम अभी आई है. पास पेपर का सवाल पढ़ लें, जून 19. अच्छा, यही जो पिछली 3-4 अटेम्प्ट्स के सवाल है ना, यही अच्छे तगड़े सवाल है. उससे ज्यादा पुराने सवाल एक तो ये कि उतने तगड़े नहीं थे, उससे तगड़े तो कैफ के सवाल आते हैं. दूसरा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहले CFAB के सिलेबस में थी, जैसे इफ्रिक 1 होता था CFAB के सिलेबस में, फुल फ्लैज उसके ऊपर एक सवाल बना हुआ है, तो इफ्रिक 1 है ही नहीं अब CFAB के सिलेबस में, तो मैंने डाल तो दिए हैं वो सवाल. हसबे तौफीक, कोई दिल करे किसी का करने का तो कर ले बेशक, लेकिन जो आखिरी 4-5 अटैम्प्ट के 4-5 साल के सवाल हैं ये अच्छे हैं. तो जून 18 मैंने कल कर दिया था, 17 आज कराऊंगा, दिसंबर 21 और जून 19 इनमें से एक मैं करा रहा हूँ और एक होमवर्क, लेकिन वो हसबे तौफीक नहीं, वो करिएगा ज़रूर. एक दो पॉइंट उसमें अच्छे हैं, वो चाहूँगा मैं कि डिस्कस हो. मैच देख के खुशियाँ ज़रूर मना लेना, लेकिन ये सवाल कर देना यार. 19 ज़्यादा मुश्किल है, 19 मैं कर देता हूँ,
21 नस्बतन कम मुश्किल है, वो आप कर दें। जून 19 में बोर्ड पे कर देता हूँ, दिसंबर 21 कर दें आप। दिसंबर 21 में एक दो पॉइंट बहुत अच्छे हैं, रिलेशनशिप आसान है इसमें, यानी नोट आसान है। वैसे डेफर टैक्स करंट टैक्स की कैलकुलेशन में पॉइंट एक दो अच्छे हैं। दिसंबर 21 कर देना, कल कर लेता हूँ डिस्कस, अगर मैच देख के आप कर लें सवाल तो। अभी आप जून 19 पढ़ने में करता हूँ बोर्ड पे, इसमें आईकेएफ के सॉल्यूशन से एक इख्तलाफ है, वो मैं बता देता हूँ क्या इख्तलाफ है मुझे। पास पेपर का सवाल जून 19 पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। हाँ जी, पढ़ लिया सवाल। टैक्स और डेफर टैक्स का नोट तो बनाना ही है 19 नंबर, लेकिन 5 नंबर एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। तो चलो पहले नोट बना लेते हैं, फिर एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट देखते हैं, वही कल वाला काम ही है। टैक्स का नोट भी बनाना है, डेफर टैक्स लायबिलिटी का भी नोट बनाना है, तो एक पेज छोड़ के दो पेज लग जाएंगे कम से कम। ये मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन 4 नहीं 7, अरे नहीं, क्वेश्चन 4 जून 19। क्या चीज? एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, सिर्फ ये नहीं बताना कि ओसीआई में जाना कितना है, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स पूरे बनाने हैं। दो पेज लग जाएंगे कम से कम रिक्वायरमेंट में। वर्किंग वन, करंट टैक्स, अच्छा प्रोसेसर अपने ऑन रखे हैं, दो तगड़े सवाल कराने मैंने। पीबीटी कितना है? 455। ये आपको पहले टेबल में नजर आ रहा है, आगे पहले टेबल में से कोई और चीज यहां लिखने वाली क्यों? वो तो ओसीआई के आइटम्स है, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर वन, यहां से क्या क्या उठा लें? यहां से डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कितनी? बस 475। चले डिफरेंस भी ले सकते हैं 475, और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस 280।
है, डिफरेंस 56 था बस, वो तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट मॉडल और उसका फर्क है। और इस टेबल में से कुछ उठाना है, हाँ जी, और इस टेबल से पॉइंट नंबर 1 से कुछ उठाना है। डिस्पोजल नहीं, लॉस नहीं आ रहा, डिस्पोजल पे अकाउंटिंग वालों के मुताबिक ये बुक वैल्यू 230 थी, जबकि टैक्स वालों के मुताबिक 140 थी, तो इसका रिजल्ट क्या निकला होगा? टैक्स के मुताबिक गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा आया होगा, क्योंकि अकाउंटिंग के मुताबिक WDV की 230 है, टैक्स के मुताबिक ये थोड़ी बुक वैल्यू वाला एसेट था, तो जितने का भी बेचा होगा, फर्स्ट करें 300 का बेचा होगा, तो टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा आया होगा, कितना ज्यादा, दोनों का डिफरेंस, तो एक्सेस टैक्स गेन क्या है 230 और 140, 90 का मजीद टैक्स के मुताबिक गेन है। और इस टेबल से कुछ, अच्छा इसमें ना सिर्फ बेशक अभी कुछ नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बस डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, और भी कोई चीज हो सकती थी इसके अंदर, इंपेयरमेंट हो सकती थी, बिल्कुल ठीक है, और रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड, ठीक है, और भी एक चीज रह गई, वो भी हो सकती थी, यही लिखी नजर ही आ रही, मतलब इन्हीं आइटम्स में से, इंपेयरमेंट तो ठीक है ना, और होती तो, यहां पर एक है आइटम और जिसमें फर्क हो सकता है, चलिए मैं बताता हूं, एडिशंस में फर्क हो सकता है। एडिशंस में फर्क क्यों हो सकता है? हो सकता है अकाउंटिंग वाले कॉलम में वो आ रहा हो 650, टैक्स वाले कॉलम में आ रहा हो 600, तो फिर वो 50 का फर्क क्यों है? उसके बारे में कुछ ना कुछ गाइड किया हो सकता था, जैसे हो सकता था कि कहा होता है कि जो 50 है ना, ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड है, तो उसको फिर हम यहां से लेस करते हैं। हो सकता है कहा होता कि वो जो 50 है वो इस एसेट की ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा है और टैक्स वाले इसको फॉरन अलाउ करते हैं, तो इस तरह में एडिशन में भी फर्क हो सकता था, उसमें भी कुछ ना कुछ फिर गाइड किया होता। चलें ठीक है, अभी नहीं है। इसकी क्या इंप्लीकेशन है, जो टेबल के नीचे छोटा सा लिखा हुआ कोने में विदाउट टैक्स इफेक्ट, कि ये जो लास्ट वाला कॉलम दिया हुआ है, ये वो सरप्लस, वो जो मैंने आपको कल परसों वो टेबुलर वर्किंग बताई थी ना, उसमें सरप्लस का एक ग्रॉस कॉलम था और एक नेट कॉलम था, तो ये वो कह रहे हैं ग्रॉस वाला कॉलम है। इसका क्या काम है देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 पूरा हो गया। पॉइंट नंबर 2, जी पॉइंट टू वाला 5% शेयर खरीदे ना, तो एसोसिएट तो नहीं बन गया होगा, सादी इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही है, तो ये उसी की बात आ रही है ऊपर। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट थी शेयर्स में जिसपे पैदाइश पे कसम खाली थी के फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले, यही वजह है कि ऊपर पहले टेबल में नजर भी आ रहा है, तो इसका क्या करूं? अभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तो OCI की चीज है। पॉइंट नंबर 3 में ये वो DBO की वर्किंग में से चीजें हैं, हमने इसमें से एक्सपेंस क्या माना होगा 145, ये वो होगा करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट, जबकि टैक्स वालों ने जो अलाउ करना है वो नीचे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन, तो जो हमने एक्सपेंस माना है वो एडबैक कर देते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट हम एडबैक कर देते हैं 145, और टैक्स वालों ने अलाउ करना है कंट्रीब्यूशन, वो लेस कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये तो कल से करते करते आप चीते हो गए होंगे, करें कैलकुलेट जरा, क्या करूं, क्या प्लस करूं, क्या माइनस करूं, जी जना, हमने IFRS 2 के मुताबिक ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू जो कि 60 मिलियन रुपीस दी हुई है, इस पे हमने एक्सपेंस बनाया होगा, और ये है वेस्टिंग पीरियड 3 साल, 18, 19, 20, 3 साल, और ये पहला ही साल है, तो
तो हमने 60 मिलियन को एक्सपेंस बनाया होगा शेयर ऑप्शंस के अगेंस्ट, हमने IFRS 2 की अकाउंटिंग की होगी और 60 मिलियन को 1/3 किया होगा, ये ऐड बैक कर देते हैं। और टैक्स वालों ने लेस कर दो, वो तो टैक्स डिडक्शन मिलेगी, वो टैक्स बेस निकालते हुए लेंगे, यहां नहीं। पॉइंट नंबर 5, पैंतीस मिलियन पुरानी लाइबिलिटीज थी जो टैक्स वालों ने कहा कि एमी आपने खुद ही लाइबिलिटीज बनाई हुई हैं, असल में ये कोई नहीं है, तो 3 साल पुरानी है तो टैक्स वालों ने इसको इनकम मान लेना है। अच्छा, हमने भी अपनी बुक्स में से लाइबिलिटीज को निकाल देना है? नहीं, हमारी बुक्स में आती रहेंगी, टैक्स वाले उसको इनकम मान रहे हैं। तो जो पुरानी लाइबिलिटीज हैं इनको टैक्स वाले लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग कह देता हूं मैं इनको, या राइट बैक कुछ भी कह देते हैं, 35 टैक्स वाले इसको इनकम मान रहे हैं तो हम इनकम मान लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, टैक्स रेट चेंज है। अच्छा, पॉइंट 7, मिनिमम टैक्स। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8, ये डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड, नहीं डेफर्ड टैक्स नहीं, मिनिमम टैक्स है और कैरी फॉरवर्ड लॉस कोई नहीं है। कैरी फॉरवर्ड लॉस कोई नहीं है यानी इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कोई नहीं है, क्योंकि हम 2018 सॉल्व कर रहे हैं, तो बस ठीक है। इसका देखें क्या बना आंसर, सिक्स एटी, किसका? पॉइंट 7 का कर लें कुछ, चलें कर लेते हैं, इसी से आगे चल रहा हूं। अगर हम नॉर्मल टैक्स लगाएं तो नॉर्मल टैक्स रेट है 680 इंटू 27, कितना बना? 183.6। और अगर हम पॉइंट नंबर 7 पढ़ें तो पॉइंट नंबर 7 कहता है कि जो मिनिमम है वो 1% ऑफ रेवेन्यू है, तो इसको देख लेते हैं, मिनिमम से कंपेयर कर लेते हैं। मिनिमम टैक्स बनेगा रेवेन्यू का जो कि 5300 है का 1%, 53। तो हम इन दोनों में से किसको यूज कर लें? 183 को। मैं बताता हूं, अब हम करंट टैक्स, ये तो टैक्स कैलकुलेट तो कर लिया, करंट टैक्स किसको कहें इसमें से? 183 को। अच्छा, इन दोनों में से हायर है 183.6। पॉइंट नंबर 8 का क्या करना है अब, बल्कि चले पॉइंट नंबर 7 में, पूरी अंग्रेजी का क्या मतलब है? पॉइंट नंबर 7 में कहा हुआ है कि अगर तो मिनिमम टैक्स ज्यादा बना तो वो अगले इयर्स में एडजस्ट हो सकता है, अगले मैक्सिमम 3 साल तक। अगर इसका आंसर 253 आ जाता तो हम 253 को ही करंट टैक्स कहते, लेकिन क्या करते फिर उसका? डिवाइड बाय 3। हाँ नहीं यार, नहीं, अगले 3 साल का मतलब ये नहीं कि डिवाइड बाय 3 है, मतलब कैरी फॉरवर्ड 3 साल तक हो सकता है, ये मतलब है इसका, डिवाइड बाय 3 नहीं है। तो अगर ये 253 आ जाता तो जो बाकी 70 है तकरीबन, वो 70 कैरी फॉरवर्ड होता और उस पर डेफर टैक्स बनता। करंट टैक्स तो हम 253 ही ले लेते, करंट टैक्स हम 253 ले लेते, लेकिन ये जो ज्यादा टैक्स मिनिमम पड़ गया ये अगले इयर्स में चूंकि एडजस्ट हो सकता था, तो इसमें हम लोग डेफर टैक्स ले लेते, लाइक
कैरिड फॉरवर्ड अनयूज टैक्स क्रेडिट, ये वो कॉन्सेप्ट में आ जाता। ये बात दोबारा सुने, अगर ये मिनिमम 253 आ जाता तो हम करंट टैक्स तो 253 लेते, लेकिन इससे वो ज्यादा है, जो असली वाला बनता है ये उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा? तकरीबन 70। इस 70 को हम बिल्कुल वैसे ट्रीट करते हैं जैसे कैरीड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट को करते हैं। टैक्स लॉस इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ऑलरेडी ये टैक्स की अमाउंट है, तो इसको हम कैरीड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट की तरह ट्रीट करते हैं, और इस पर डेफर्ड टैक्स भी बनता। और नेक्स्ट ईयर फिर ये यहां टैक्स निकालने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट के तौर पर यहां से लेस होता। ये बिल्कुल टैक्स क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है। मिनिमम टैक्स क्योंकि टैक्स की अमाउंट है इसलिए मैं कैरी फॉरवर्ड लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं कह रहा, ये टैक्स की अमाउंट है। तो जो कल को टैक्स पड़ता उसमें से ये ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट के तौर पे लेस होता। अब यही बात कंटिन्यूटी में चले तो आगे पॉइंट 8 में समझाई हुई है कि पिछले साल मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड 88 था, लेकिन हमने इस पर डीटीए बनाने की बजाय सिर्फ 55 पे डीटीए बनाया था क्योंकि उतने हमें फ्यूचर में हालात लग नहीं रहे थे। तो पिछले साल ये डेफर्ड टैक्स में इस्तेमाल हुआ होगा डेफर्ड टैक्स एसेट बनाने के लिए, क्योंकि पिछले साल ये कैरिड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट था। अब इसको करंट टैक्स इस साल का निकालते हुए क्या करें? ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट कह के यहां से लेस कर दें, बिल्कुल 88, क्योंकि असल में 88 ही है। वो तो हमने पिछले साल हालात उम्मीद नहीं होगी कि अगले ईयर में प्रॉफिट होगा, एक्सपायर होने की उम्मीद होगी, तो इसलिए हमने डीटीए सिर्फ 55 का बनाया होगा, लेकिन असल में ये 88 था, तो यहां से 88 एडजस्ट होगा, बाकी फिर करंट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर बनेगा 95.6। ये है जी करंट टैक्स फॉर करंट ईयर। अगर ये जीरो होता तो ये जीरो आता, ये जीरो आता, ये 53, हम करंट टैक्स 53 को कहते, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये 53 होता। और अब कैरिड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट 88 और 53 मिलके बन जाता, इस पे फिर डेफर्ड टैक्स एसेट वाली वर्किंग में ले जाते हैं उसको, यानी ये भी साथ उसके मिल जाता। करंट टैक्स 0.7.8 नहीं, देखें ऑफिशियली टैक्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक, क्योंकि हम तो रिटर्न भर रहे हैं ना, तो टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक ऑफिशियली पिछले साल 88 था जो इस ईयर में आके क्लेम होना था, लेकिन हमें पिछले साल ना लग नहीं रहा था हालात के फ्यूचर में हमें प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि डीटीए में चीज ये पड़ी थी कि डीटीए बनता है डिडक्टेबल डिफरेंसेस पे, कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस पे और टैक्स क्रेडिट पे, लेकिन ओनली इफ इट इज प्रोबेबल कि कल को हालात अच्छे होंगे और हमें इनका फायदा भी मिलेगा। तो पिछले साल हमें लगता था कि फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए डीटीए बस 55 का बनाया था, लेकिन ऑफिशियली तो 88 था, तो अब वो 88 एडजस्ट होगा। वो तो हमारी अपनी बुक्स है ना, हमें तब लगता था अगले ईयर में हम लॉसेस में ही जाएंगे, तो हमने क्या पता कोई भी डीटीए ना बनाया होता, तो क्या इस साल हमें टैक्स वाले इसका क्लेम नहीं देंगे क्या, क्या आपने डीटीए नहीं बनाया था? टैक्स वालों को क्या पता हमने डीटीए बनाया कि नहीं बनाया। टैक्स वालों के लिए ऑफिशियल बात यह है कि हमारा 88 का पिछले ईयर का मिनिमम टैक्स है कैरी फॉरवर्ड जो इस साल एडजस्ट होना है, उनको तो इसी का पता है, उनको थोड़ी पता है कि हमने डीटीए बनाया कि नहीं बनाया। नहीं देखिए, सिर्फ अगले साल के प्रॉफिट से नहीं कंपेयर करना होता, ये ऑनलाइन वालों के लिए सवाल ये पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता था कि अगले साल का टैक्स प्रॉफिट बताए और उस टैक्स प्रॉफिट बता के हमने फैसला करना हो कि 88 अगले ईयर में एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। सिर्फ टैक्स प्रॉफिट के साथ नहीं कंपेयर करना होता, कुछ और टैक्सेबल डिफरेंसेस होते हैं, उन्होंने भी अगले साल आना होता है। वही बता रहा हूं ना कि सिर्फ फैसला अगले साल के टैक्स प्रॉफिट को देख के नहीं होता, ये होता है फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट जो टैक्स प्रॉफिट की शक्ल में भी हो सकते हैं, कुछ और टैक्सेबल डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, उन सबको सामने रखना होता है, वो स्टूडेंट कैसे बताएगा। 0.78 करंट टैक्स डन। डेफर्ड टैक्स, अच्छा अभी तक सीफैप का तो एक ही किया है, ये दूसरा करा रहा हूं, एक और कराऊंगा।
और जो लोग बाद में आए, मैंने एक सवाल होमवर्क कहा है, सवाल अच्छा है, पहले मैंने वो कराने का सोचा था लेकिन ये वाला ज्यादा मुश्किल लगा मुझे, तो मैंने कहा ये करा देता हूँ बोर्ड पे। दिसंबर 21 अगर आप कर लें तो बहुत मेहरबानी, मैं चाहता हूँ ये डिस्कस हो, क्योंकि जून 22 में नहीं आया इस पर, तो आपने दिसंबर 22 में पेपर देना है या जून 23 में देना है या दिसंबर 23 में देना है या सब अटेम्प्ट में देना है, तो IS-12 किसी भी आपकी किसी भी अटेम्प्ट में टेस्ट हो सकता है IS-12। तो दिसंबर 21 आप अगर होमवर्क कर लें तो मैं कल डिस्कशन में लाना चाह रहा हूं उसको। अच्छा मैं पूछ रहा था कि क्या क्या मुश्किलें लग रही हैं IS-12 में। करंट टैक्स कैलकुलेशन मुश्किल है कि डेफर टैक्स या नोट, यानी मुनासिब है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा मुश्किल है। लेसी हाइफर टू सही है। मसला ये है कि सिलेबस ज्यादा है और तैयारी पूरी कर नहीं पाते, और जब आखिरी छुट्टियां मिलती हैं तो उसमें भी ठीक तरह से सही तैयारी नहीं करते, इसलिए रिपोर्टिंग का रिजल्ट बहुत गंदा होता है। जी सर, कोर्स तो खत्म कर लो यार, कोर्स तो खत्म कर लूं। डेफर टैक्स सिर्फ 2018 का कि 17 का भी निकालना पड़ेगा? सिर्फ 2018 का डेफर टैक्स निकालना है या 17 का भी निकालना पड़ेगा? पूछ रहा हूं तो निकालना ही होगा। क्यों? क्योंकि डेफर टैक्स का बीडी नहीं दिया हुआ, तो दोनों डेफर टैक्स निकालने पड़ेंगे। डेफर टैक्स 2017 पहले ना पिछले साल का निकालना बेहतर होता है, उसमें फिर अगले साल उसी से रिलेट करना निस्बतन आसान हो जाता है सोचना। तो पहले 17 कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस रेट और DTL या DTA। क्या क्या है जी सवाल में, पॉइंट वन में, पॉइंट टू में PPE है और गिवन है 17 कर रहे हैं हम कैलकुलेट, तो इस स्केड्यूल का ओपनिंग कैरिंग कितनी और टैक्स बेस 1470 और कुछ पॉइंट टू में ये इस साल में आया है, पॉइंट थ्री नेट डिफाइंड लायबिलिटी, नेट DBO कितनी, 4 टैक्स बेस, टैक्स बेस 0 होती है इसकी, टैक्स बेस इसकी 0 होती है, PV ऑफ DBO की टैक्स बेस 0 होती है, क्योंकि ये कल को सारी डिडक्शन मिल जानी है। पॉइंट नंबर 4 में कुछ, ये भी जनवरी 18 है, पॉइंट 5 में कुछ, ये पुरानी लाइबिलिटीज चल रही हैं कुछ, तो 17 में भी थी, नहीं आएंगी क्या? ये हमारी लाइबिलिटीज नहीं है, हैं लाइबिलिटीज हैं हमारी, नहीं 4 साल भी हो जाते तो भी हैं, हमारी लाइबिलिटीज तो हैं, हमारी ये लाइबिलिटीज हैं 35 17 तक टैक्स वाले इनको राइट बैक करने का नहीं कह रहे थे, वो तो अब आके उन्होंने इनकम बनाया है, तो 17 तक कोई इशू नहीं था, इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं। ये तो 18 में आके इन्होंने कहा खत्म करो लाइबिलिटीज, तो 17 तक तो दोनों बातें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर है, इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर है जी, हम 17 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पहले 17 निकाल रहा हूं मैं,
क्योंकि ओपनिंग डेफर टैक्स नहीं दिया हुआ। पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर एट, तो वही बचपन यहां लिख लेते हैं, क्योंकि पिछले साल वाला हम यहां लिख रहे हैं, दोबारा नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो पिछले साल हमने किया था, तो वो सीधा सीधा बचपन यहां आ जाएगा। पिछले साल कैरी फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स जिसको हमने डेफर टैक्स एसेट में लिया था वो इतना लिया था बस, तो ये ऐसे ही यहां आ गया। और कोई एसेट लायबिलिटी नहीं, बस सवाल पूरा हो गया। तो डिफरेंस 1030 और 430 नेगेटिव। टैक्स रेट पिछले साल 28% था, 288.4 120.4 113। ये 17 का क्लोजिंग यानी 18 का ओपनिंग। करना मैंने 17 मिटा के 17 मिटाना है। PPE गिवन है, अब 18 पे आ गया हूं, 2635 और टैक्स बेस 1650। पॉइंट टू, फर्स्ट अप्रैल 2018 को इन्वेस्टमेंट की थी, शेयर्स खरीदे थे 152 के, तो बस और तो बताया कुछ नहीं, क्या करूं फिर, इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ जी, स्किप कर दूं। 152 का खरीदा था तो टैक्स बेस तो 152 ही होगी, और हम इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करके ले आए हैं, कहां तक ये आपको पहले टेबल को देख के पता चलेगा। 23 का गेन आया है तो हम इसको 175 तक ले आए हैं। आप ये दोनों फिगर स्किप करके डायरेक्टली यहां 23 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो गेन है वही दोनों की वैल्यूज में फर्क है। पॉइंट थ्री,
डीबीओ है, कैरिंग अमाउंट 355, टैक्स बेस 0, 0.4. ये वो एहतरामन एसेट वाला है, एम्प्लॉय कॉस्ट कह लें, शेयर ऑप्शंस कह लें, ये वही एहतरामन एसेट वाला कॉन्सेप्ट है जो कल सिखाया था. कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 0, कैरिंग अमाउंट 0. टैक्स बेस, टैक्स वाले इसकी क्या डिडक्शन देंगे, 78 नहीं, वो फेयर वैल्यू है. टैक्स वालों ने इंट्रेंसिक वैल्यू की डिडक्शन देनी है. तो ईयर एंड पे हमने अपडेट रखना है इसको, जो कि 72 है और अभी एक साल गुजरा है, तो 1/3, तो टैक्स बेस आ गई 24. ये वही IFRS 2 वाला पॉइंट है. पॉइंट नंबर 5, ये अब वो वाली लाइबिलिटीज आ गई हैं जो हमारी बुक्स में अभी भी 35 ही आ रही होंगी, लेकिन टैक्स वालों ने कहा कि खत्म करो इनको, इनकम बनाओ, तो टैक्स बेस 0. टैक्स बेस 0, क्योंकि फॉर टैक्स पर्पजेस ये लाइबिलिटीज खत्म. और अगर उस फॉर्मूले से भी चलना चाहें, अच्छा वो कन्वर्टेबल, एक स्टूडेंट ने कल सवाल पूछा था, मैं उसकी अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका, बड़े तजुर्बे किए हैं रात को बैठ के, लेकिन कुछ समझ नहीं आई बात अभी. इसको अगर उस फार्मूले में लगाएं तो 35 माइनस, कल को लाइबिलिटीज अगर पे करनी पड़ गई तो डिडक्शन मिल जाएगी, तो 35 माइनस 35 0. पॉइंट नंबर 6, अच्छा ठीक है, पॉइंट 7 हो गया. पॉइंट 7 में ये कैरी फॉरवर्ड वाली बात पता लग रही है. अगर करंट टैक्स सॉल्व करते हुए ये हायर आया होता तो कितना हायर, अगर मैंने कहा 253, तो 70 ये और 88 पिछला, तो इस 153 को हम यहां पर कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट लेते. लेकिन अब चूंकि ये सारा एडजस्ट हो गया, अब नहीं रहा कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट, बस डिफरेंस 985, 23, 24 नेगेटिव, 355 नेगेटिव, 35 नेगेटिव. टैक्स रेट सब में ही 27% है. 265.95, 6.21, 6.48, 95.85, 9.45. वैसे टोटलिंग की जरूरत नहीं है, खास नोट तो बनाना ही है, फिर भी चले 16. करंट टैक्स की वर्किंग हो गई, डेफर टैक्स क्लोजिंग ओपनिंग दोनों कैलकुलेट कर लिए. अब हम क्या सही नहीं है, 38 है. यही बनता है, यही करंट टैक्स की वर्किंग भी हो गई, डेफर टैक्स क्लोजिंग ओपनिंग दोनों कैलकुलेट कर लिए. अब डेफर टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए अलग वर्किंग करने की बजाय डेफर टैक्स का नोट तो बना ही लेंगे, उस टेबल से निकल आएगा. अब आते हैं रिक्वायरमेंट ए, डेफर टैक्स करंट टैक्स की कैलकुलेशन तक बताइए कोई एतराज. ये लोग बंदे तो कम गिन के गया. Deferred tax noted. Thank you.
रिक्वायरमेंट ए, डेफिटेक्स का नोट, एट मैंने ऐसे ही लिखा है। डेफर्ड टैक्स कंप्राइजेज ऑफ, कितनी पॉजिटिव लाइनें थी ओपनिंग क्लोजिंग में, दो पॉजिटिव थी, तीन चार नेगेटिव हैं। Opening balance recognized in equity, OCI or P&L or closing balance. क्या क्या line items हैं दोनों workings में? PPE है और investment, वो भी positive है। Positive में क्या क्या है? ये दो ही है ना, ये दो ही हैं। शेयर ऑप्शंस, DBO और सर्टेन लायबिलिटीज कह देता हूं, और कैरिड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स। हाँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिख लें। ईएक्स क्या है? हाँ हाँ ठीक है, ओपनिंग क्या क्या है? 288.4 पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट्स में कुछ नहीं, शेयर ऑप्शंस में कुछ नहीं, डीबीओ में 120.4, सर्टेन लायबिलिटीज में कुछ नहीं, मिनिमम टैक्स 55 नेगेटिव, और टोटल 113 था शायद, 113। क्लोजिंग में क्या क्या है? 0.95, 6.21, शेयर ऑप्शंस में 6.48, डीबीओ में 95.85 नेगेटिव, 9.45 नेगेटिव।
ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा अब आगे क्या करना है? जी नहीं, पहले इन दोनों कॉलम्स को भरने। शेयर ऑप्शंस किस कॉलम में? अगर ये टीएफसीज नहीं है कल वाले, वो कन्वर्टेबल्स थे, वो और चीज है। कल वाले सवाल में कन्वर्टेबल्स थे, उसमें इक्विटी कंपोनेंट वाला टैक्स यहां लिखना ही लिखना था और पॉजिटिव लिखना ही लिखना था। शेयर ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। शेयर ऑप्शंस में क्या करना है? कल ही तो पढ़ा यार, हैं? कल पढ़ा था। शेयर ऑप्शंस परसों पढ़ी थी, चले परसों पढ़ी होंगी। हाँ जी, शेयर ऑप्शंस मेरे ख्याल में ऐसे कल पढ़ी थी। बैलेंस किया हुआ जो अकाउंटिंग में हमने एक्सपेंस माना है वहां तक डिडक्शन मिल रही है तो डेफर्ड टैक्स पीएनएल में है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिडक्शन है तो फिर इक्विटी में है। तो अकाउंटिंग में अब तक एक्सपेंस कितना माना है हमने? करंट टैक्स की वर्किंग में आ रहा है 20, जबकि टैक्स वाले डिडक्शन दे रहे हैं डेफर्ड टैक्स में, टैक्स बेस निकाला हुआ है 24, तो 4 की ज्यादा डिडक्शन मिलने लगी है। हमने 24 पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, हालांकि एक्सपेंस हम सिर्फ 20 मान रहे हैं, तो जो 4 पे फालतू कैलकुलेट कर लिया है। शेयर ऑप्शंस कल मैंने बताई थी, कल मैंने बोर्ड पे उसको पूरा सवाल सॉल्व करके दिया था और एंट्रीज भी की थी, अगर नोट की थी तो देखें पेजेस पलट के। फिर 2019 में शायद 2019 में, 19 में मेरा ख्याल है टैक्स बेस ऊपर निकल गई थी, टैक्स बेस चली गई थी शायद 680, जबकि टोटल टैक्स हमने एक्सपेंस 563 तक माना हुआ था, तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्स बेस कैलकुलेट हो गई थी तो उसके ऊपर एंट्री की थी डेफर टैक्स डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, डेफर टैक्स डेबिट इक्विटी क्रेडिट। जितनी हमने एक्सेस टैक्स बेस निकाल ली थी अकाउंटिंग एक्सपेंस से, वो जो फालतू डिडक्शन मिलेगी उसका जो डेफर टैक्स है वो पीएनएल की बजाय इक्विटी में आना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखूं? 4 के ऊपर, क्योंकि अकाउंटिंग एक्सपेंस 20 है जबकि हमने टैक्स बेस 24 कैलकुलेट की है, तो 4 के ऊपर 27% टैक्स रेट, 27% है ना, कितना बना? 1.08। पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं? यहां पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं? ये इक्विटी तो नहीं है, ये इक्विटी का नोट बना रहा हूं मैं, ये डेफर टैक्स का नोट बना रहा हूं, ये एक्चुअली डेफर टैक्स का टी अकाउंट है, ये डेफर टैक्स का बीडी फॉर द ईयर डेबिट क्रेडिट सीडी, ये डेफर टैक्स का अकाउंट बना रहा हूं मैं। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव क्यों? इक्विटी क्रेडिट, इक्विटी क्रेडिट, डेफर टैक्स डेबिट हो रहा है, पॉजिटिव आएगा। क्या कहा था मैंने? वो कन्वर्टेबल्स का कहा था इक्विटी में पॉजिटिव आएगा, मैंने कल कन्वर्टेबल्स की बात की थी, क्यों नेगेटिव आएगा? देखें आप ना दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एक एंट्री थी कन्वर्टेबल्स के हिसाब से, अगर मैं कल वाले पास्ट पेपर वाले सवाल की फिगर दे लूं तो कैश डेबिट 150, लायबिलिटी कंपोनेंट 140.89, इक्विटी कंपोनेंट 9.11 लिखते, लेकिन इसको नेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट पता कितना था कल जो बोर्ड पे सवाल किया था पास्ट पेपर का, जून 18 है, इतना ज्यादा? प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 नहीं कह रहा, जून 18 की फिगर दिखी है मैंने, 30 था मेरे ख्याल में, 35 था, 30 था,
30 था, 70 6.8 और डेफर टैक्स क्रेडिट, ये मैं बात कर रहा हूं कल जो जून 18 मैंने क्लास में आखिर में किया, जो 10 27 तक जाके चला था, हैं 2.73 मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो कल जून 18 का हमने ये नोट बनाया था, ये है कन्वर्टिबल्स। इस कन्वर्टिबल की इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर ये इक्विटी कंपोनेंट में जो जाना था वो तोड़ के करना है, और ये मैंने कहा था सरप्लस की तरह आप इसको, जैसे हम सरप्लस तोड़ते थे। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की अगर बात कर लें तो हम इस पूरे में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, डीटीए को नेगेटिव लेके चल रहे हैं, हम डीटीए को नेगेटिव लेके चल रहे हैं, इधर डीटीएल को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हम अपने इस टेबल के अंदर डीटीए को एज अ नेगेटिव लेके चल रहे हैं, डीटीएल को एज अ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ये था कन्वर्टिबल, इसको तो आप बेफिक्र होकर याद रख लें कि इस कन्वर्टिबल्स में जो इक्विटी पोर्शन का टैक्स बनता है वो हमने यहां पॉजिटिव ही लिखना है, ये कल वाले सवाल में बताया था। अब आ गए शेयर ऑप्शन, ये वो है जो IFRS 2 था, IFRS 2 इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि जितनी अब तक हमने अकाउंटिंग में एक्सपेंस की फिगर ले ली है क्यूमुलेटिव, और जो टैक्स बेस है, अगर टैक्स बेस अकाउंटिंग क्यूमुलेटिव एक्सपेंस से ज्यादा है तो वो जो ज्यादा बचत है उसका रिलेटेड डेफर्ड टैक्स हमने इक्विटी में लेना होता है, और उसकी एंट्री जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 कराते हुए बताई थी, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट किया था और इक्विटी क्रेडिट की थी। तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट यानी डेफर्ड टैक्स एसेट और बनाने का मतलब है यहां पर एज अ नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ये डीटीएल पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये डीटीए है, और हम चूंकि डीटीए है और ओवरऑल ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो इसलिए इसको हमने नेगेटिव लिया हुआ, नेगेटिव जी। इसकी क्या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या जी, कैलकुलेट कैसे किया था? टैक्स बेस हमने 24 लिए है, डेफर टैक्स की वर्किंग में देखें ये है जो टैक्स वालों ने फ्यूचर में डिडक्शन इसकी देनी है अभी तक के बेस्ट अंदाजे के मुताबिक, जबकि हमने एक्सपेंस 20 माना हुआ है, करंट टैक्स में निकाला हुआ है, तो टैक्स वाले जो ज्यादा डिडक्शन दे देंगे उस ज्यादा का जो टैक्स बेनिफिट है उसका हमने टैक्स एक्सपेंस P&L में नहीं लाना, वो इक्विटी में लेके जाना है। ये वो है सारी कहानी जो कल प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 से सारी कहानी सिखाई थी, तो ये उसके ऊपर पड़ने वाला। कल जून 18 के सवाल में शेयर ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन उसमें टैक्स बेस क्यूमुलेटिव एक्सपेंस के अंदर अंदर थी, नहीं पास पेपर की बात कर रहा हूं, 2019 नहीं कह रहा, जो कल पास पेपर जून 18 किया है ना उसमें भी मेरा ख्याल है IFRS 2 था, लेकिन उसमें जो IFRS 2 था वो अकाउंटिंग की फिगर ज्यादा थी, टैक्स फिगर कम थी, इसलिए ऐसी चीज कल नहीं आई थी। अब टैक्स फिगर ज्यादा बन रही है तो जो ऊपर वाली एक्स्ट्रा सेविंग है उसका डेफर्ड टैक्स इधर इक्विटी वाले कॉलम में आना है। हुई नहीं अभी, फ्यूचर में होगी। हाँ जी, हमने जो अब तक अकाउंटिंग में एक्सपेंस माना है आज तक उसको कंपेयर करेंगे जो हम टैक्स बेस की फिगर ले रहे हैं, क्योंकि टैक्स बेस हम क्या ही उसको रहे हैं जो कल को डिडक्शन मिलनी है टोटल, तो अगर टैक्स बेस उस क्यूमुलेटिव अकाउंटिंग एक्सपेंस से ज्यादा है तो उस डिफरेंस वाला टैक्स इधर इक्विटी में आना है डेफर टैक्स। सिर्फ उस एक लाइन आइटम को अगर डेफर टैक्स का अकाउंट कह लें, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी 1.08 ओके। अच्छा और कोई इक्विटी OCI की आइटम, इक्विटी वाली तो यही थी, OCI की कोई आइटम, OCI की आइटम्स काफी सारी हैं, ये आपको ऊपर टेबल में सवाल में नजर आ रही हैं, 3 आइटम्स हैं OCI की, सरप्लस भी है, DBO वाली रीमेजरमेंट गेन लॉस भी है, और ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला फेयर वैल्यू गेन भी है, तो इन तीनों से रिलेटेड जो टैक्स है वो भी फिर OCI में जाना है। कितना कितना फिगर दी नहीं है
रिवैल्यूएशन का गेन है तो उस पर टैक्स रेट लगा के यहां पॉजिटिव कि नेगेटिव? गेन है, टैक्स रेट लगा के पॉजिटिव। इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला गेन है, टैक्स रेट लगा के पॉजिटिव। डीबीओ वाला नेगेटिव है तो टैक्स रेट लगा के नेगेटिव। तो डीबीओ वाला कितना है 40, टैक्स रेट लगाएं 27%, 10.8 नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट वाला कितना है 23, टैक्स रेट लगा के 6. पॉजिटिव। पीपी वाला कितना है 240। अच्छा पीपी वाला समझिएगा जी, पीपी वाला समझाने लगा। बाकी फिगर्स ये मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं। 23 का 27% और डीबीओ में 40 का 27%। ये उधर ओसीआई में जाने वाली फिगर्स दिखी हैं, ये इक्विटी में जाने वाली और ये ओसीआई में जाने वाली। पीपी में उधर ओसीआई में क्या लेके जा रहा हूं वो मैं आपको समझाता हूं। एक तो जो गेन फॉर द ईयर है कितना 240 है, 240 27% 64.8। अभी मैंने ना क्लास के शुरू में पॉइंट लिखवाया था ये आधी आवाम को, और आई कैप के सोल्यूशन में ये इख्तलाफ है, मुझे ये पॉइंट स्किप हुआ है। ये पैराग्राफ 60 है आईएएस का, कोई अगर पढ़ना चाहे पैराग्राफ 60 जो मैंने आपको लिखवाया था पॉइंट 1 अभी क्लास के शुरू में, वो असल में आईएएस का पैराग्राफ 60 है। उसमें ये लिखा हुआ है कि कल को अगर टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस होती हैं, कोई एक्सपेक्टेड पैटर्न की एसेट कैसे रियलाइज होना है उसमें कोई चेंज होनी है, इससे डेफर टैक्स में चेंज आ जाए। जैसे इस सवाल में टैक्स रेट 28 से 27 हो गया तो डेफर टैक्स में चेंज आ गया। अब पिछले साल सरप्लस था कि इस साल ही सारा नया बना है, तो जो पिछले साल सरप्लस था तो उसको हमने नेट ऑफ टैक्स 28% पे किया होगा। अब टैक्स रेट 28 से 27 हो रहा है तो ये जो चेंज इन टैक्स रेट है, अभी मैंने शुरू में लिखवाया था कि अगर ये उन आइटम से रिलेटेड है जो आइटम्स ओसीआई या इक्विटी में गई हुई है तो उनके टैक्स रेट का चेंज का इफेक्ट भी ओसीआई या इक्विटी में जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है और ये जो डीबीओ है, पिछले साल हमें पता नहीं कि इसका क्या इफेक्ट था, ये आया ही इस साल है, लेकिन सरप्लस हमें सवाल के पॉइंट 2 के टेबल में दिया हुआ है कि पिछले साल 512 था। हाँ इसीलिए उसी के ऊपर टैक्स रेट लगाना, 512 ओपनिंग दिया हुआ है। इस पे पिछले साल में किस हद तक हमने डेफर टैक्स बनाया होगा 28%, अब 27 हो रहा है तो अगर टैक्स रेट चेंज हो रहा है तो उस चेंज का इफेक्ट सारा का सारा पीएनएल में नहीं जाएगा, जो उन आइटम से रिलेटेड है जो ओसीआई इक्विटी के आइटम्स हैं, तो टैक्स रेट चेंज भी उधर ही जाएगा। अभी मैंने क्लास के शुरू में बताई थी ये बात। तो जो फॉर द ईयर मजीद गेन आया है उस पर तो लगेगा 27, लेकिन जो ओपनिंग सरप्लस था कितना था 512, इस पे टैक्स रेट चेंज का कितना इफेक्ट आएगा 1%। तो ये चेंज इन टैक्स रेट का इफेक्ट उधर सरप्लस में ही जाएगा 5. पॉजिटिव नेगेटिव कम हो रहा है, डीटीएल बना हुआ था इस पे, टैक्स रेट कम हो रहा है नेगेटिव 59.68। ये एक इख्तलाफ है मेरा आईकेप के सोल्यूशन से, ये वाला पॉइंट नहीं किया, हालांकि मेरे टूटे फूटे इल्म के मुताबिक पैराग्राफ 60 क्लियर लिखा हुआ है तो ये होना चाहिए था। टैक्स का कौन सा नोट बनाएंगे? बनाता हूं तो यहां पर आएगा 59.68। ये सवाल करके एक ब्रेक कर दूंगा, फिर 103 में इसका एक तगड़ा सवाल और कराना है, और कंसोलिडेशन से रिलेटेड
डेफर टैक्स की एक दो बातें बतानी है, फिर वो कराऊंगा, उसके बाद आई एस 12 बहुत है, फिर आई एफ आर एस 15 शुरू कराऊंगा। ये कॉलम टोटल क्या बना? इक्विटी आ गया 1.08, इधर क्या आ गया 52.09 पॉजिटिव, और अब गलत है, अच्छा क्लास में बताना और बात है, लेकिन ये फिकर की बात है ये एग्जाम में, ये तो नहीं, तो फिर कैलकुलेटर भी वो इस्तेमाल करो ना जो पेपर में लेके जाना है। ये कॉलम कैसे निकलेगा? दिस में सारे रिवर्स, एटी 2.13 नेगेटिव, सेवन पॉइंट मेरा नहीं ख्याल, मैंने आप लोगों को कहा था एक दफा का जिक्र है कि जब भी आप कोई मिसिंग फिगर या रिवर्स वर्किंग करके निकाला करें तो उसको सीधा चल के ना क्रॉस चेक जरूर किया करें। दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये बन रहा है ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये बन रहा है ठीक है। अब आप यहाँ पॉजिटिव 7 लिखें अगर, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये बन रहा है 5.40 नेगेटिव। जो भी मिसिंग फिगर निकाले ना आप, उसको सीधा चल के क्रॉस चेक जरूर किया करें। डीबीओ 35.35 नेगेटिव, पॉजिटिव 9.45 नेगेटिव, 55 पॉजिटिव। इस कॉलम को निकालने के बाद इस तरह सीधा चल के जरूर कर लें क्रॉस चेक। सिक्स पॉइंट फिर देख ले यार, ये डेफर टैक्स का नोट है, नहीं टैक्स का इतना मुश्किल नहीं है इसका। आप एंट्री को सोच लें, अगर एंट्री सोचना आसान है, अगर आप एंट्री सोच रहे थे ना एंट्री, कि इसकी एंट्री क्या करें, क्योंकि ये वाली जितनी भी चीजें इनकी एंट्री भी कराई है, जैसे ये अगर एंट्री में डेफर टैक्स डेबिट हो रहा है तो नेगेटिव, अगर एंट्री में डेफर टैक्स क्रेडिट हो रहा है तो पॉजिटिव। टी अकाउंट के हिसाब से भी यही बताया हुआ है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ले रहे थे, डेबिट साइड पे आ रहा है तो नेगेटिव ले रहे थे। तो आप इसकी ना ये चीजें देखें, ये ना वन ऑफ आइटम्स हैं, जब रिवैल्यूएशन होगी तो इधर ओसीआई आना है, जब ये कन्वर्टेबल्स इनिशियली रिकॉग्नाइज होंगे तो इक्विटी में आना है। तो इसलिए आप इनकी एंट्री सोचें, अगर डेफर्ड टैक्स एंट्री में क्रेडिट करना पड़ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, डेबिट करना पड़ रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे। अगर एंट्री में डेफर्ड, मैं इसलिए इसके साथ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट कुछ नहीं लिख रहा, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट करना पड़ रहा है तो वहां पॉजिटिव, डेफर्ड टैक्स डेबिट करना पड़ रहा है तो वहां नेगेटिव। डेफर्ड टैक्स का नोट जी, पिछले इयर्स में उनपे, चले पिछले साल कह लें, उनपे टैक्स रेट कुछ और था, इस साल टैक्स रेट चेंज हो गया, तो पिछले साल वो जो ओसीआई वाली चीजें थी उनपे 28 लगा हुआ था, और डेफर टैक्स की मैंने वर्किंग मिटा दी। पीपी में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें सरप्लस वाला डिफरेंस भी तो है ना, सरप्लस की वजह से भी तो है ना वो डिफरेंस, अभी तक है ना वो डिफरेंस पीपी में मौजूद है ना,
तो वो जो सरप्लस था उसमें हमने टैक्स 28 के हिसाब से सरप्लस को नेट किया हुआ था। जब रिवैल्यूएशन की एंट्री की होगी ना तो पीपीई डेबिट सरप्लस क्रेडिट डेफर टैक्स क्रेडिट हमने ये किया था। अब हमने ये करना है क्योंकि टैक्स 28 से 27 हो गया, तो अगर डेफर टैक्स की मेजरमेंट चेंज हो रही है तो फिर ये भी चेंज होगा ना। तो इसलिए जो सरप्लस की वजह से डेफर टैक्स बना था, देखें ये तो चलो अच्छी मिसाल आ गई जन में, अगर ये चेंज करना है हमने तो फिर उसका फिर इसी को चेंज करना है ना। तो जो सरप्लस बना हुआ था उसके ऊपर डेफर टैक्स क्रिएट हुआ था 28, अब उसको 27 करना है तो फिर यही चेंज होगा। क्योंकि पिछले साल वो थे ही नहीं और इसका पता ही नहीं, पता नहीं पिछले सालों में इसका क्या था, ये था ही नहीं पिछले साल और इसका पिछले साल का पता ही नहीं। हमें क्या पता पिछले साल इसके वो कितने हैं क्यूमुलेटिव जो ओसीआई में होते थे। ये जो डीबीओ है इस पे जो रीमेजरमेंट का एक्चुअरियल गेन लॉस रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, हमें नहीं पता ना पिछले ईयर से कितने हैं। वो सरप्लस तो दिया हुआ 512 है, इसका तो हमें पता ही नहीं है। पॉजिटिव है डेफर टैक्स का नोट, टैक्स का नोट यार ये कवर किया ध्यान, ये यहां से लेके जहां तक पूरा आ रहा है एक स्क्रीन में, यहां तक क्या बस कर दो, अरे इसको पूरा तो कर लो यार। बस थोड़ा सा रह गया, ये देखना स्क्रीन में ये आ रहा है अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट 455 यार। इरफान ये कुछ लोग ज्यादा हो गए थे यार, जो बाद में आए थे उनको रहने दो। अच्छा चलो ठीक, अरे वो देखा ना वो डिस्टर्बेंस हो गई ना। करंट टैक्स करंट टैक्स 95.6 और डेफर टैक्स का डब्बा बनाना पड़ेगा। ले लो यार, हैं आपके, है आपका पैसे से ले लेना, पैसे से रहते थे। ये तो कम नहीं पड़ गए, नहीं नहीं कम नहीं हुआ, नहीं इन्होंने पीना नहीं है उनका, कम है अभी भी। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज में क्या लिखूं, नहीं इफेक्ट ऑफ रेट चेंज कैसे निकालते हैं। इस साल टैक्स रेट चेंज हुआ है, वो जो मैंने तीन सिनेरियोस लिखे थे
ये उनमें से पहले वाला ही है। तो इसमें इफेक्ट ऑफ रेट चेंज लगेगा ओपनिंग डिफरेंसेस पे। तो ओपनिंग डिफरेंसेस क्या क्या थे, 2017 वाली फिगर देखें। पीपी था 1030 था, 1030 था, और क्या था, नेट डीबीओ था 430 नेगेटिव था, और बस यही था, कितना 600। टैक्स रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है 1%, 6 कम हो रहा है 6। लेकिन लेकिन ये जो कम हो रहा है ना 6, हम ये जो सारा टैक्स रेट चेंज हो रहा है ये सारा का सारा पीएनएल में नहीं जाना, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ये सारा का सारा पीएनएल में नहीं जाना, क्योंकि कुछ है जो सरप्लस से रिलेटेड है और वो कुछ ये है, वो ये है। टैक्स रेट चेंज जो टोटल 6 है उसमें से इतना सरप्लस से रिलेटेड है, ये हम इधर ओसीआई में लेके गए इधर, बाकी पीएनएल में जाना। ये अभी क्लास के शुरू में जो लाइन लिखवाई थी कि टैक्स, ये पैराग्राफ 60 है एक्चुअली, तो जो टैक्स रेट चेंज है उसका असर पीएनएल में जरूर जाएगा लेकिन जितना ओसीआई में जाना है उसके अलावा। तो इसमें से हम ओसीआई में ले गए 5.12, तो बाकी फिर 0.88 नेगेटिव, और इस डब्बे का टोटल ये इस डब्बे का टोटल 6.63 नेगेटिव। तो रिलेटिंग टू डिफरेंसेस फॉर द ईयर, ये इस डब्बे की बैलेंसिंग 5. तो टैक्स एक्सपेंस हो गया 88.97। क्या जी, हाँ हाँ, ये तो मैंने शायद कल परसों भी कहा था कि ये काफी मुश्किल वाली एडजस्टमेंट है, इसकी वजह से पूरा सवाल नहीं जा रहा। अगर आप इफेक्ट ऑफ रेट चेंज को छोड़ दें तो बाकी सवाल 19 नंबर में से मैक्सिमम 2 नंबर होंगे इसके, 2 भी ज्यादा कह रहे होंगे। आगे अच्छा, इस सवाल को करते हुए मेरा ख्याल है 1.25 घंटा तो हो गया, ये मुझे हुआ है सवाल। नहीं नहीं, आपको इससे ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मैं तो आपको सारा कुछ समझा रहा हूं ना, तो आपको तो जितना को आता होगा आप वो कर लेंगे 15 मिनट में। इधर कर दूं, अच्छा इधर इधर, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा है बस, आपकी चाय से पहले पहले हो जाएगा हजम होने से। यही टैक्स एक्सपेंस वाले नोट में आगे चल रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग एक्सपेंस नहीं सॉरी अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट फोर डबल फाइव, टैक्स इस पे लगा दीजिए 4.55 पे 27%, 122.85,
इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, पॉइंट डबल एट, और क्या क्या रिकनसाइलिंग आइटम्स में से? किसी आइटम पे हायर लोअर टैक्स रेट है, डिविडेंड बिल्कुल नहीं था, कोई एग्जेम्प्ट इनकम, कोई इनएडमिसिबल एक्सपेंस, एक चीज है वैसे और, वो तो डेफर टैक्स में आ गई, वो तो हम वैसे ही इक्विटी में ले गए। कल वाले सवाल में शेयर ऑप्शंस, शेयर बेस्ड पेमेंट वाली लाइन भी यहां लिखी थी, वो इसलिए लिखी थी क्योंकि अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा आया हुआ था, टैक्स डिडक्शन थोड़ी मिलनी थी, अब तो टैक्स डिडक्शन ज्यादा मिलनी है, और वो जितनी ज्यादा मिलनी है वो तो हम ले गए इक्विटी के अंदर। ये पॉइंट समझे दोबारा, कल जो जून 18 किया था ना उसमें शेयर ऑप्शंस थी और अकाउंटिंग एक्सपेंस बना था 4.5, जबकि टैक्स बेस 3.25 ली थी, तो टैक्स वालों ने डिडक्शन कम देनी थी, हमने डेफर टैक्स कम पे बनाया था जबकि अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा था, तो वो इनएडमिसिबल टाइप चीज थी, उसको यहां लिखा था, जबकि इस सवाल में टैक्स डिडक्शन ज्यादा चली गई है, तो वो जो ज्यादा वाला पोर्शन है वो तो हम यहां इक्विटी में ले आए। ये बात इस तरह की चीजें ना वैसे लिख लिया करें कि इस रिकंसिलिएशन में लिख लें, बात अच्छी बात है, अपने बेसिक पेज 13 पे ही लिख लें अगर जगह बची है तो, अगर जगह बची है तो बेशक पेज 13 पे लिख लें कि वो जो IFRS 2 शेयर ऑप्शंस वाला पॉइंट है, अगर उसमें टैक्स बेस क्यूमुलेटिव अकाउंटिंग एक्सपेंस से कम है तो जो हमने फॉर द ईयर अकाउंटिंग एक्सपेंस बनाया हुआ ज्यादा, वही जो कल साल में किया था, तो जितना ज्यादा बनाया हुआ है उसको वो इनएडमिसिबल की तरह ट्रीट करके उसके टैक्स की लाइन आएगी रिलेशनशिप में। दोबारा बताता <था। laughs> जो एक्सपेंस फॉर द ईयर हमने बनाया है शेयर ऑप्शंस का, टैक्स डिडक्शन उससे कम है, टैक्स बेस उससे कम है, तो वो जो हमने ज्यादा एक्सपेंस बना लिया उसके साथ वही इनएडमिसिबल एक्सपेंस वाला सलूक करेंगे इस रिलेशनशिप में। इसकी मिसाल जून 18, लेकिन अगर टैक्स बेस ज्यादा है, डिडक्शन ज्यादा है, फिर ऐसी लाइन यहां नहीं आएगी। और इधर सवाल में क्या आइटम है, फॉर्मेलिटी देख लें तो उसी में नजर आ रहा है, वो इक्विटी में जाएगा। यहां पर और भी आइटम है कोई सवाल में, फॉर्मेट में नजर आ जाएगी वैसे। पिछले साल अगर हमने कोई DTA कम बनाया हुआ था किसी कैरिट फॉरवर्ड लॉस पे, किसी कैरिट फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट पे, लेकिन इस साल उसको हमने यूज कर लिया करंट टैक्स के अंदर, तो वो यहां अचानक DTA आ गया, अचानक बेनिफिट आ गया, तो वो यहां पर आके लेस होगा। ये मैंने फॉर्मेट में लिखा भी हुआ है पेज 13 पे ना चैप्टर में, ये लाइन मैंने लिखी भी हुई है कि प्रीवियसली अनरिकग्नाइज था लेकिन अब हमने उसको यूज कर लिया, 88 और 55 का डिफरेंस, वो यहां पर लेस होगा आके। हमने 55 तक का पिछले साल डेफर टैक्स सोचा हुआ था, अब आके उसको अपने 88 का बेनिफिट करंट टैक्स की कैलकुलेशन में लिया है, ये वो 33 है। अब ये हो गया होगा इंशाल्लाह टैली।
बस ये सवाल था पार्ट ए। पार्ट ए अब पेश खिदमत है पार्ट बी। एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई ये कितने नंबर है? ये मुफ्त के 5 नंबर हैं, ऑलरेडी मेहनत कर चुके। अगर आपने ये गलत भी किया होगा ना, ये 5 मिलेंगे। पीबीटी दिया हुआ है 455। टैक्स कर चुके पार्ट ए में 88.97। पैट अगर आपने टैक्स गलत भी निकाला है फिर भी पार्ट बी में आपने इसको प्रेजेंट करना है, इसके मिलेंगे 5 नंबर 366.03। ओटीआई आइटम्स दी हुई है सवाल में, क्या क्या है? रीवैल्यूएशन गेन है कितना? 240। फेयर वैल्यू गेन है इन्वेस्टमेंट पे 23। रीमेजरमेंट्स हैं डीबीओ की 40। और इनका टैक्स है ये 0.5 है। इनका टैक्स नेट होता है ना, इनमें ओसीआई आइटम्स का टैक्स ओसीआई में ही आता है, ये निकाला हुआ ऑलरेडी 169। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गई 533। ये 5 नंबर। चलो जी 102 लेक्चर बस, कल भी हमने 10 ठीक।